नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखा गया हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए यह हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब यहां पर देखिए कोई पोटेंशियल कोई डाइपोल है, वह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर प्लस की चार्ज है और यहां पर माइनस। ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट है या एंगल जो है इसकी लेंथ 2 मीटर। ऐसे केस में हम नॉर्मल लिखा लेते हैं, ओके। जब नॉर्मल ले लेंगे तो ये हो जाएगा कि नॉर्मल है तो जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस यह हो जाएगा 2a sin। ठीक है, तो अब यहां पर पहले तो हम निकाल लेते हैं टॉर्क, इसको रोटेट करा के जो पहले इसके पैरेलल रहा होगा इसके बाद इसको यहां पर ले गए हैं ए और बी पोजीशन में, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एंगल थीटा विद ई। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यूई ए
डायरेक्शन ऑफ ई एंड माइनस क्यू ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओके। तो अब यहां पे निकालेंगे टॉर्क एग्जर्ट, टॉर्क एग्जर्ट बाय द कपल। ये दोनों कपल बना रही है, ये कपल टॉर्क इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जानते हैं ना टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यह हो जाएगा 2a sin थीटा। ये मिल गया टॉर्क इक्वल qe इनटू 2a sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा e q 2a sin थीटा। ओके, तो टॉर्क इक्वल हो गया e t sin थीटा। ठीक है, एक तो टॉर्क भी आपको मिल गया है यहाँ से। अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो यहाँ पे टॉर्क निकाल लीजिए। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर। ओके, ये मिला। अब हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी है? तो पहले वर्क डन हम निकाल लेते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं तो एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि एनर्जी को वर्क डन से मेजर किया जाता है। अब यहां पे इसको रोटेट कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, रोटेट कराया जा रहा है। हम ये निकालना है कि थीटा वन से थीटा टू एंगल तक रोटेट कराने में कितना वर्क किया गया। तो इसके लिए हम पहले स्मॉल एंगल के लिए डी थीटा के लिए वर्क डन निकाल लें, तो वह हमारा स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन हो जाएगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। If the dipole is rotated through a small angle d theta by acting torque, ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क इनटू स्मॉल एंगल। ओके, टॉर्क पी ई साइन थीटा इनटू डी। ये स्मॉल वर्क मिला। अब हम निकाल लें टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क डन भाग रोटेट एंगल थीटा वन टू थीटा, डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा थीटा वन टू थीटा टू पी ई साइन। ओके, अब ये हो जाएगा पी ई
थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा, तो एपीई कॉस थीटा थीटा वन टू थीटा टू मीन्स पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा ठीक है। अब यहाँ पे माइनस मिलेगा ना, माइनस मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख दें ऐसा, क्योंकि साइन का माइनस में आता है, ये उलट दीजिए कॉस थीटा में माइनस कॉस थीटा ठीक है। ये वर्क डन जो होगा यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, अगर रोटेटिंग के लिए कितना वर्क किया गया ये कैलकुलेट करना हो तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे ठीक है। तो अब यही वर्क डन जो है एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इनर्जी, पोटेंशियल इनर्जी यह हो जाएगा यू इक्वल पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा ठीक है। अब यहां पर इसको परपेंडिकुलर रख करके 90 डिग्री से रोटेट किया है तब कितना होगा, एक थीटा वन इक्वल 90 डिग्री एंड थीटा टू इक्वल थीटा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा, तो ऐसे केस में आपको मिल गया है यू इक्वल PE माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यू इक्वल हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई ठीक। ये था पोटेंशियल एनर्जी।